नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका मेरे चैनल पे कार एंड टॉक पे। तो दोस्तों, आज ऑटो एक्सपो 2020 के अंदर एमजी मोटर्स ने अपना एक नया कॉन्सेप्ट व्हीकल लॉन्च किया है, जो है मार्वल एक्स। तो दोस्तों, ये रहा आपके लिए एक्सक्लूसिव वीडियो मार्वल एक्स का मेरी तरफ से। तो देखिए, इसके अगर हम फ्रंट की बात करते तो यहाँ पर आपको दिए हैं प्रोजेक्टर हेडलैम्प विथ DRL, जो कि DRL शुरू होते हैं यहाँ से, बिल्कुल आपके वी शेप। इसके अंदर जो ग्रिल है, इट्स अ बेसिकली कॉन्सेप्ट मॉडल। सो आई नो कि प्रोडक्शन के अंदर ये आएगा नहीं आएगा, मोस्ट प्रोबेबली ये सब चीज़ें शायद नहीं आएगी प्रोडक्शन मॉडल के अंदर। और अगर आप इसके फ्रंट लुक की बात करें तो काफ़ी डायनामिक, काफ़ी बोल्ड बना गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए एयर टैम भी काफ़ी स्पोर्टी से बनाए गए हैं इस कार के। यहाँ से आपको पूरा मैं विज़न दिखाना चाहूँगा गाड़ी का, काफ़ी अच्छा, काफ़ी शानदार लुक इसका दिया गया है। यहाँ पे सेंटर मिलता है लोगो, जो कि ग्लोइंग है। आई होप सो ये लोगो बेसिकली प्रोडक्शन मॉडल में बिल्कुल नहीं आने वाला है। दोस्तों, बात कीजिए इसके साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल के अंदर आपको काफ़ी शार्प बॉडी लाइंस, कैरेक्टर लाइंस मिलती हैं, जो आप शुरू होती है बिल्कुल आपके फेंडर के अपर साइड से लेके आपके एवी लार्ज के ऊपर से लेके बिल्कुल पीछे तक, जो आप देख सकते हैं। और इसका जो रनिंग बोर्ड भी काफ़ी अच्छी तरह से क्लैडिंग से वर्कअप किया गया है। और यहाँ पर कुछ दिया गया है आप स्पोर्ट्स कार की तरह, जैसे कि लैम्बोर्गिनी वगैरह में होता है, वैसा आपको एक एयर डैम सा दिया गया है। यहाँ पे अगर टायर की बात की जाए तो टायर इस कॉन्सेप्ट व्हीकल के अंदर दिए गए हैं 19 इंच के अलॉय रिम्स, जो है आपके मशीन कट। जो टायर सेक्शन की बात की जाए तो टायर आपको मिलेगा इसके अंदर 235 सेक्शन 45 R19। इससे कॉन्सेप्ट व्हीकल तो इस साइज़ के टायर शायद प्रोडक्शन मॉडल में ना आए। साइड की बात की जाए तो गाड़ी काफ़ी प्रीमियम लगती है, काफ़ी सॉलिड लगती है। आप देखेंगे तो ये एक प्रीमियम क्रॉसओवर की तरह आपको बिल्कुल फील कराएंगी। अगर बात करें इसके ओवरऑल लुक की, तो यहाँ पे आपको मिलेगी LED टेल लैम्प, जो कि कम्प्लीटली LED आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। और इसे थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको बम्पर भी काफ़ी अच्छे डिज़ाइन में मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्वल एक्स जो ब्रांडिंग दे रखी है, आप भी देख सकेंगे। और उससे थोड़ा नीचे आएंगे तो इसका जो लोअर बम्पर एरिया भी काफ़ी अच्छा बना गया, सिल प्लेट भी काफ़ी अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई है और इस गाड़ी के ऊपर काफ़ी सूट हो रही है। आप पूरा प्रोस्पेक्टिव देख लीजिए कैसे लग रहा है। यहाँ पे सेंटर की बात करें तो आपको मिलेगी पूरी टेल लैम्प टू टेल लैम्प कनेक्टेड एक स्ट्रिप मिलेगी आपको क्रोम की। यहाँ पे मिलेगा आपको MG का लोगो। विंडो एरिया भी गाड़ी का अपने आप में काफ़ी अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। एक बिल्कुल स्लोपिंग रूफ का डिज़ाइन इसके अंदर दिया गया है, आप जैसे देख सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा ऊपर से, यहाँ पर आपको अनयूजेबल रूफ रेल दी गई है, ऊपर दी गई है आपको एक पैरानोमिक सनरूफ। और साइड की बात की जाए तो जैसे मैंने बताया था कि काफ़ी स्टैंडर्ड, काफ़ी अच्छी बॉडी लाइन इसके अंदर दी गई है, काफ़ी शार्प कट्स इसके अंदर दिए गए हैं। इसका पिलर भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी सिंपल बनाया गया है। सेंटर पिलर के अंदर ब्लैक ट्रीटमेंट मिलेगा आपको, पियानो ब्लैक फिनिश का। और शोल्डर लाइन मिलेगी आपको, यहाँ से पूरी मिलेगी आपको शोल्डर लाइन, जो भी आपकी इसकी क्रोम स्ट्रिप है पूरी आगे से पीछे तक आपको ओवरऑल एक फ्रेम की तरह मिलेगी, ऊपर से नीचे भी और आगे से पीछे तक। यहाँ पे आपको मिलेंगे पॉप अप काइंड ऑफ डोर ओपनर, जो कि थोड़ा सा मेरे लिए अभी नया है, यूज़ करने में उतना फैमिलियर नहीं था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीछे काफ़ी ग्रेट लेदर का यूज़ किया गया है ओवरऑल पूरी गाड़ी के अंदर। यहाँ पे वुडन फिनिश का प्लास्टिक, हालांकि प्लास्टिक पर वुडन फिनिश यहाँ पे यूज़ किया गया है, बहुत ही बढ़िया इसकी फिनिशिंग यहाँ पे भी दी गई है। कॉन्सेप्ट कार के होते हुए भी गाड़ी काफ़ी अच्छी है, आपको मैं अंदर से दिखाना चाहूँगा। इस गाड़ी का जो फ्रंट है वो आपको कहीं ना कहीं याद दिलाएगा लग्जरियस कार लाइक बेंटली, और ऐसी बड़ी लग्जरियस गाड़ियों की लिमोजिन वगैरह की भी आपको इसमें याद दिला सकता है। इसके अंदर सेंटर में दिया गया है वाटरफॉल इफेक्ट के अंदर सेंटर कंसोल दिया गया है। इट्स अ कॉन्सेप्ट मॉडल, तो मे बी ये शायद प्रोडक्शन वेरिएंट में ना आए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा सा, जैसे कि MG हेक्टर के अंदर आपको देखने को मिला था, उस तरीके का कुछ कुछ इसके अंदर एलिमेंट भी इस गाड़ी में दिया गया है। यहाँ पर आपको मिलेगा कंप्लीट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यहाँ पर दिया गया है आपको, देखिए सारे कंट्रोल्स, इंफोटेनमेंट सिस्टम और क्रूज कंट्रोल को कंट्रोल करने के लिए। गाड़ी के अंदर अगर देखी जाए तो इट्स इलेक्ट्रिक कार, तो यहाँ पे आपको ड्राइव मोड्स देखने मिलेंगे, रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइव। यहाँ पे कुछ बटन दिए गए हैं आई ड्राइव एंड
रीजनरेशन, ब्रेकिंग रीजनरेशन और आई ड्राइव का बनाया गया है। यहाँ पे आपको सिलेक्टर दिया गया है, तो यहाँ पर देखेंगे तो आप जो इसका पैरानोमिक सनरूफ भी काफ़ी बढ़िया, काफ़ी बड़ा दिया गया है, आप देख सकते हैं पूरा। और इसके अंदर जो पैसेंजर स्पेस है वो भी बहुत अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया है। बात कीजिए मेरी हाइट की, तो मेरी हाइट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो काफ़ी हेडरूम दिया गया है, बहुत ही सफिशिएंट हेडरूम है। यहाँ पे लेग रूम भी बहुत अच्छा दिया गया है, फील काफ़ी अच्छी आ रही है इस गाड़ी के अंदर, एक प्रीमियम फील आ रही है, आप देख सकते हैं। ओवरऑल मैंने सारी चीज़ आपको दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पे एक स्मार्ट एयर प्योरीफायर आई थिंक ये है, और यहाँ पे मिलेंगे आपको एसी वेंट्स, यहाँ पे भी कुछ आपको एक चार्जिंग पॉइंट मिलेगा आपको लाइक ऑफ एशट्रे के साथ। और गाड़ी का फ्लोर पैनल, एक इलेक्ट्रिक कार है इसलिए इसका देखा जाए तो फ्लोर पैनल भी बिल्कुल फ्लैट है, फ्लैट आउट है पूरा। अब मैं आपको ले चल लूँगा इसी फ्रंट सीट पे। तो फ्रंट सीट भी अच्छे से आप देख सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं तो इट्स अ कॉन्सेप्ट मॉडल, वो भी आप देख सकते हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन, स्टेयरिंग कॉन्फ़िगरेशन भी यूरोपियन स्टैंडर्ड वाइज दिया गया है। आप पूरा देख सकते हैं गाड़ी को कैसी लग रही है। यहाँ पे आपको ड्राइवर और पैसेंजर दोनों आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीटें मिलती है दोस्तों। जो इसकी ड्राइवर सीट है वो आपको मिलेगी मेमोरी फंक्शन के साथ। इसके अंदर आप देख पा रहे हो कि दो ड्राइवर के लिए आप इस सीट को एडजस्ट कर सकते हैं। इट्स अ कंसेप्ट मॉडल, मैं फिर भी आपको बार बार बता रहा हूँ कि प्रोडक्शन के अंदर पता नहीं क्या आएगा इसके अंदर इंडिया में, और ये गाड़ी कब लॉन्च होने वाली है इसके बारे में कंपनी ने अभी कोई खास डिटेल इसके अंदर दी नहीं है। जैसे आप देख पा रहे हैं इसका स्टेयरिंग भी काफ़ी बहुत ही कूल लग रहा है, काफ़ी एकदम बढ़िया लग रहा है, आप देख सकते हैं। फील करने में काफ़ी बहुत अच्छी फील आ रही है इसके अंदर से, आप देख पाएंगे। तो अगर बैक पोर्शन की और फीचर वाइज बात की जाए तो यहाँ पे मिलेगा आपको एक वाइपर, साथ में आपको अगर थोड़ा नीचे आएंगे तो मिलेगा आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा, साथ में यहाँ पे आपकी लाइसेंस प्लेट लाइट्स और एक इलेक्ट्रिकली ओपनेबल बैक डोर, बूट डोर। और इसका जो आपको मैं बूट स्पेस दिखाना चाहूँगा, बूट स्पेस काफ़ी शानदार है अपने सेगमेंट के अंदर, आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपको आप इसको एक एडजस्टेबल पार्सल ट्रे की तरह यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से फिर वापस चली जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सही तरह से इसको मैनेज किया गया है। यहाँ पे नेट मिलता है, यहाँ पे आपको मिलता है एक लाइट, और यहाँ पे मिलते हैं आपको इसको कंट्रोल करने के ऑन ऑफ के स्विच, टेल गेट ओपन करने के स्विच। तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से MG Marvel X का आपके लिए एक वॉक अराउंड वीडियो, इंटीरियर एक्सटीरियर वाइज। अगर आपको अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों ऑटोएक्सपो की और वीडियो देखने के साथ बने रहिए हमारे साथ। तब तक अगली वीडियो तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।